हमको क्या बताना है, ध्यान से देखो, हमको ये बताना है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में उसको रेगुलेट करने के लिए कौन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, राइट, एग्जैक्टली ए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में हम कह सकते हैं भारतीय बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ कौन सा है, विच अमंग द फ्लोइंग इज अ सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। ऑप्शन नंबर ए, भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि को अलग बचा के रखना, सेकंड, कारोबार व्यवधान लागत या माल नष्ट हो जाने की लागत, या हृदयघात के कारण अस्पताल में भर्ती होने के परिणाम स्वरूप आने वाली चिकित्सीय लागत। तो हमको बताना है कि इसमें रिस्क का सेकेंडरी बर्डन कौन सा है। रिस्क का सेकेंडरी बर्डन, यस, दिस वन, भविष्य में संभावित हानियों, अभी हुई नहीं है वो हानियां, फिर भी हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, ऐसी हानियों को पूरा करने हैं तो जो भी हमारी आरक्षित निधि है ना, को अलग बचा के रखना, सेटिंग असाइड रिजर्व ऐसे प्रोविजन फॉर द मीटिंग पोटेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर। तो ये हमारा सेकेंडरी बर्डन है, रिस्क का सेकेंडरी बर्डन, अभी तक तो नहीं है पर हो सकता है, हम ऐसे सोच के चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर, बैंक एफडीआई, इंश्योरेंस, इक्विटी शेयर्स, या रियल एस्टेट। इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो रिस्क ट्रांसफर को लेकर होता है, क्या बैंक एफडी से रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, या इंश्योरेंस से होता है, या इक्विटी शेयर परचेज करने से होता है, या रियल एस्टेट पे पैसा लगाने से होता है। तो आपको क्या लगता है कि रिस्क ट्रांसफर कैसे होता है, ये क्वेश्चन बताओ, बहुत सिंपल सा है वैसे तो, रिस्क ट्रांसफर कैसे होता है। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि जब इंश्योरेंस करवाते हैं तभी तो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है ना, इंश्योरेंस नहीं करवाए तो पहले तो रिस्क हमारा ही होता है, कुछ लॉस हो गया तो हमें ही फेस करना पड़ता है, पर इंश्योरेंस करवाने से हमारा रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, सामने वाली पार्टी के पास चला जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, विच अमंग द फ्लोइंग सिनेरियोज वॉरंट इंश्योरेंस, निम्नलिखित परिदृश्य किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है, किसी इंसान का वॉलेट गुम हो सकता है, या परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी अचानक मृत्यु हो सकती है, या शेयर मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है, या प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो सकता है। इसमें से क्या लगता है, कौन कौन से सेकेंडरी उसके अंदर हमको लगता है कि इंश्योरेंस की जरूरत हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या आंसर होगा। बताओ, यस, बी, परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, तो हम उसी की इंश्योरेंस की बात करेंगे ना। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस क्यों इज रन बाय द इंश्योरर नॉट बाय द स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड नहीं है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फसल बीमा योजना, जन आरोग्य या उपरोक्त सभी। जन आरोग्य सी। नेक्स्ट वन इज जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को डैश 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 कहते हैं। रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पुलिंग इज कॉल्ड सेविंग्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट या रिस्क मिटिगेशन, जोखिम घटाना। बताओ यस डेफिनेटली जोखिम ट्रांसफर को इंश्योरेंस तो कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों का क्या कहते हैं, जोखिम अपने पास रखना, हानि की रोकथाम करना, जोखिम ट्रांसफर करना या जोखिम से बचाव। यस हाँ जी एक सेकेंड दस